घंटा है बात तो पूछनी और बाबा, ये अभी आपने बोला था ना है? देश का पत्ता देते हैं कौन? अभी आपने बोला था ये प्रजा पता देश का क्या मतलब वीक का वीक में बेहद वीक क्या विश्व उसके ज्योति बिंदु है वो इस धरती पर आता है तो नाम सत्य की आत्माओं के द्वारा ज्ञान का वर्षा देता है। ज्ञान का वर्षा देने वाली राम और सत्य की आत्माएं हैं या शिव की आत्मा है? तीन आत्माएं हैं, एक तो हीरो एक हीरोइन और एक उनमें प्रवेश करने वाली शिव की आत्मा। ज्ञान कौन देता है? शिव देता है। तो राम कृष्ण क्या देते हैं? अरे शिव ऊपर से आता है राम तत्व में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने मात्र से ही उनका परिवर्तन हो जाता है क्या? वो अपनी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? चलाते हैं तो जो अपन चलाते हैं तो सूटी कौन सी होती है? द्वापर कलयुग की सूटी होती है तो दिशा वर्षा देते हैं या नहीं देते? चाहे राम की आत्मा हो चाहे कृष्ण की आत्मा हो चाहे कोई भी धर्म गुरु की आत्मा हो कोई देहधारी धर्म गुरु हो सब नीचे गिराने वाले ऊपर उठाने वाला कौन है? एक शिव बाबा, वो भी शिव बाबा। बाबा तब कहा जाता है जब साकार में प्रवेश। ये बात समझ में नहीं आ रही ये रामकृष्ण की आत्माओं से भी विश्व का वर्षा मिलता है। शिव बाबा से क्या मिलता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। शिव बाबा और कुछ नहीं देता है, क्या देता है आपके? ज्ञान ही तो देता है। चेतन चित्र में दोनों आते में झाड़ू लेकर करिए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के रूप में महाकाली के महाकाली की सहयोगी होंगे कि नहीं? अरे सहयोग देने वाली भुजाएं होंगी या नहीं? महाकाली की सहयोग देने वाली भुजाएं नंबर बार होंगी या नहीं? तो अव्वल नंबर राइट हैंड के रूप में और अव्वल नंबर लेफ्ट हैंड के रूप में कोई सहयोग देने वाली होगी या नहीं होगी? होगी बस। अब कौन होगी वो तो पार्ट जब चलेगा तक हो जाए लेकिन अगर ये भी बोला है कि संकल्प में कोई बात आती है तो कोई बात नहीं है भी कोई बात नहीं लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियों से हो गया तब तो पाप कर गया। हाँ तो संकल्प में तो होना पाप कर गया लेकिन संकल्प में से शूटिंग हुई पाप नहीं करा वो सूची हो गई वो द्वापर कलयुग में अपना फल देगी। यहाँ का होना पाप तब चढ़ता है जब हम कर्मेंद्रियों से विकल्प कर बैठते हैं। संकल्प विकल्प तो आते ही रहते हैं गुणकर्मों के अनुसार। जो भी हमने पाप कर्म किए हैं तो बुरे संकल्प उठते हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्प उठते हैं। यही रूपती रहती है समय के अनुसार। बाबा ने दादी को माला पहना ही और दादी ने बाबा को कौन से बाबा ने माला पहना ही? ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने पहना ही। ब्रह्मा बाबा का लगाव दादी के साथ था या शिव बाबा का लगाव दादी के साथ था? शिव बाबा तो कहते हैं माया तुम्हारी दुश्मन है वो क्या माला पहनाई? हार खिलानी है देखिए माला पहनानी।
भी दादी के थोड़े दिन शरीर छोड़ने से पहले माया अब थक चुकी है, क्या माया अब हिम्मत हार चुकी है, हाथ पांव फूलने लगे, थोड़े दिन बाद शरीर छोड़ दिया। जब कोई अपनी हार होते हुए देखता है तो क्या करता है, मरता क्या भी करता है, और दूसरों को होता है उससे भी हाथ मिला लेता है। तो माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। साढ़े चार लाख आत्माएं जिनमें सब धर्म की आत्माएं होगी, साढ़े चार लाख, तो क्या ये साढ़े चार लाख आत्माएं अंत में दर्शन काय बनाएंगी? क्यों नहीं बनेगी? तो अंत में दर्शन काय बनाएंगी मतलब ये है, जब सत्यु में जब उनको जन्म मिलेगा तो बर्फ में से निकलती जाएगी, दर्शन काय बनती जाएगी, पक्के सूर्यवंशी हो, पहले पचास धर्म जो पक्के सूर्यवंशी कितने हुए, 50,000 ना, वो पता नहीं पड़ेगा। बर्फ में दबेंगे, बर्फ में दबेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले पहले तो अपने आंखों से देखेंगे ना, बिना सोचे केवल विनाश होते हुए तो सब देखेंगे, लेकिन पूरा विनाश होते हुए पता नहीं। भाई ये तो बर्फ का तो 35-36 का है ना भाई, वो 10-15 दिन बाद बच्चे की वो बर्फ बन जाएगी, तो वो पहले कहाँ दब जाएंगे बर्फ में, पहले कहाँ दब जाएंगे बर्फ में, कौन पहले कहाँ दब जाएंगे भाई, 50,000 ही बचेंगे पहले दबते जाएंगे बर्फ, पहले जब जरूर रहेगी क्या, टोटल जब विनाश होगा तो अंत तक कौन से बचेंगे, 50,000 जो सूर्यवंशी होंगे वो बचेंगे, या जो आर्य समाज में बीज रूप आत्मा है वो बचेंगे, वो तो पहले ही डब्बा गोल करके चली जाएंगे, हाँ बर्फ जमना तो बर्फ पहले जमना, हाँ जी 50,000 सूर्यवंशी पक्का कॉपी तो है, 50,000 पक्का सूर्यवंशी तो बता रहे हैं, उसमें से वो विजय माला भी तो ऐड होंगे, विजय माला के ऐड होंगे ना, तभी तो 25-25 होंगे, 25 विजय माला के होंगे, है और बेंगलोर सर माशाला था 876, उसमें बाबा ने कहा है कि सिंधी नहीं पहचानेंगे, ये सिंधी नहीं पहचानेंगे, लेकिन जब जब ये शुरू हुआ था वो जरा सिंधी पहचानते हैं क्या, नहीं ये सिंधी नहीं पहचानेंगे, तो उस समय तो यकीन सिंधियों में भी, सिंधियों में भी जो पुराने सिंधी है वो पहचानते हैं, पर उस समय जब यदि शुरू हुआ था तो सारे ही सुनने थे, प्रजाति का वहाँ बंगाल में था, उनकी दुकान वहाँ थी, तो बे धंधा ही उनका वहाँ था, कृष्ण को कहाँ से पकड़ा, चेन्नई के बाद से, और जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब और बंगाल का भी विभाजन हुआ, ये यज्ञ की दो विशेष आत्माओं का संबंध था उससे, पंजाब और बंगाल से, तो ब्रह्मा बाबा का भी तो सिंध से संबंध था, उसका भी विभाजन नहीं हुआ, हो गया ना सिंध प्रदेश का, हाँ क्या जरा सिंध को दो दिखाते हैं कि एक दिखाते हैं, जरा सिंध दो था या एक था, बाबा गीता में कृष्ण के लिए ही ज्यादा महत्व देते हैं और उनकी लीला भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य अज्ञानता, और उनके मुख में जो ब्रह्मांड दिखाया गया, कृष्ण जहाँ दिखाया गया वह भगवान समझो, कृष्ण की बात नहीं है, सारी दुनिया का नक्शा किसके मुंह में है, भगवान के मुंह में है, उसने जो पार्ट बजाया
अपने प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने सारी दुनिया को अपने बुद्धि में ग्रहण कर पाया क्या? भगवान की बात है, जहाँ भक्ति मार्ग में कृष्ण और राम की बात आती है वहाँ भगवान को समझना चाहिए या रामकृष्ण को समझना चाहिए? भगवान को समझना चाहिए। रामायण में राम की कृष्ण दिखा दिए, अब वो राम की बात हो रही है तो भगवान की बात है। गीता में कृष्ण की बात है तो कृष्ण हो रही है, कौन है? शिव बाबा है। भागवत में भी कैसे दिखाए और शिव बाबा भी कैसे हैं? शिव बाबा ने भगाया, शिव बाबा की ताकत से भागी या रामकृष्ण की ताकत से भागी? सत्य नहीं होगा, सत्य के प्रश्न में तो आपके प्रिंस का जन्म होगा, सत्य में होगा। संगम जी कृष्ण का जन्म संगम युग में होगा, अठारह में संगम भी कृष्ण है, अठारह में संगम होगा कि सत्युग होगा? संगम युग कितने साल का है ज्यादा से ज्यादा? तो 100 साल का पूरे होंगे, 2036 पूरे होंगे, तो उससे पहले कैसे चलता है सत्युग कृष्ण का जन्म हो जाए? सत्युग के कृष्ण का जन्म सत्युग में होगा, संगम भी कृष्ण का जन्म संगम युग में होगा। अमरनाथ गुफा में शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, तब दो तो तोते ने कथा सुनी थी या कबूतर ने सुनी थी? उनको ज्ञान की कंठी पड़ी होती है, वही कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। कबूतर तो बंद करते हैं वहाँ बैठ करके, अभी माउंट आबू में बंद कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं? कथा सुनने वाले को कथा सुन के उड़ गए वहाँ से, ये बैठे हुए इधर ज्ञान की कंठी वाले तोते बैठे हुए। तोते हैं लेकिन इसको ना कबूतर क्यों आराम नल पर नहीं बैठना बाबा? अमरनाथ में फिर इस समय कबूतर क्यों दिखाई जा रहा है? अमरनाथ में इस समय कबूतर क्यों? कबूतर क्यों है? कबूतर का जोड़ा है ना, कबूतर का जोड़ा इसीलिए है कि वो गंध करते हैं वहाँ मुंह के अंदर ही, आवाज उनके मुंह से ज्ञान की आवाज बाहर नहीं निकलती, अंदर की अंदर घुटनों को खोल के रह जाते हैं। लेकिन भक्तों को क्या करें, क्या करें, लोग लागे वो बंधे हुए। जैसे कुमार का दादी ने कहा संदेश में कि पहले जब मैं साकार में थी तब तो लोकनाथ का बंधन था, अभी तो लोकनाथ का बंधन खराब हो गया, अभी मैं असलियत जान गई हूँ। लेकिन तो लोग तो उस चीज को ज्यादा सबसे मान रहे हैं ना, उसको कबूतरों को गलत ही सबसे मानेंगे ना कि ज्ञान ही मानेंगे, उनको ज्ञान ही है ना तो मानेंगे। भक्ति मार्ग में जो किसी ने बताया है वो समझते हैं बाहर की दुनिया का विनाश हो जाए, लेकिन है वास्तव में ब्राह्मणों की जो एडवांस की दुनिया है उस एडवांस की दुनिया में विघटन हो रहा है। अभी सबकी अवस्थाएं नीचे गिर रही है, ये कोई की अवस्था ऊपर उठ रही है। क्या सुना जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या अनुभव किया जा रहा है? सब गड़बड़ा रहे, इसका मतलब चौथी अवस्था गुजर रहे हैं। हनुमान मंदिर में विस्फोट बताया, हाँ जी हाँ जी, जो भी हो जो भी हो, माना 2012 तक संपूर्ण आहुति होनी है। प्रकृति जो है, प्रकृति माना प्रकृति का मुख्य रूप कौन सा है? जैसे माया रूप रावण का मुख्य रूप कौन सा है? माया रावण का मुख्य सिर कौन सा है? कामिका। ऐसे ही प्रकृति का मुख्य सिर कौन सा है? पृथ्वी के 5 रूप है प्रकृति के, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, मुख्य रूप कौन सा है? प्रकृति।
तो जो पृथ्वी माता है वो अपनी धुरी चेंज करेगी या अभी असरो के पक्ष में है, अभी माता जी किसके पक्ष में है? हाँ जगदम्बा है ना, तो सारे जगत में तो इस्लामी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं आती ही नहीं, वो सब उसके बच्चे हैं ही नहीं, उन बच्चों की तरफ जुड़ी हुई है। फिर क्या होगा, धुरी चेंज करेगी, इस सब की तरफ से बुद्धि को हट करके कहाँ आएगा? एक भारत बाप दूसरा अनुभव, धुरी चेंज हो जाएगी पृथ्वी। ये चैतन्य की बात है या जड़ पृथ्वी की बात है? चैतन्य ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है, जो वो वहाँ जो बाहर की दुनिया वालों के लिए बता रहे हैं। बारह में क्या होगा? बताया ना आपने, बताया बाहर की दुनिया में वैज्ञानिक बता रहे हैं तो अभी तो बताया, दुनिया वाले स्थूल रूप में देखते हैं और ब्राह्मण हर बात को बेहद सूक्ष्म रूप में देखते हैं। लक्ष्मी पहले आ जाएगी, लक्ष्मी लास्ट में आएगी, लक्ष्मी पहले आएगी लास्ट को पास जाने वाला मानता कौन होगा? लक्ष्मी होगी तो पहले आ जाएगी कि बाद में आएगी? बता रही क्या पीछे वाले भी कह रहे हैं क्या होगा? वो तो जाने की कई बात कह चुके हैं, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। 2000 में बोल दिया, फिर और हमारे राष्ट्रीय गान में एक लाइन है, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल। तो पंजाब सिंधु गुजरात और बंगाल इन चार राज्यों से तो चार विशेष आत्माएं अभी तो संबंध रखती है। मराठा से दूसरे आत्मा नहीं निकलती, मराठा से तो माया की शुरुआत हुई है। पहले माया नगरी बम्बई की इंचार्ज कौन थी? कुमार दादा जी। और द्राविड़ उत्कल जो ये तो नाम है, सभी देशों नाम जो बनाए हैं वो कुछ गलत हो रही है। तो यज्ञ से संबंध होगा ना? यज्ञ से तो सारी दुनिया का संबंध है। राजस्थान के राजाएं निकलेंगे, तो राजस्थान से राजा निकलेंगे कि देहरादून के राजस्थान ही है? गंध का पहाड़ नहीं है यहाँ? सारी दुनिया की गंदी गंदी आत्माएं जाके इकट्ठी हो जाती है तो पहाड़ बन जाता है। जो धूप हो जाती है, धूप होती है, जो बंदी के नियम है।
बना रखे बाबा ने खान पान के जो नियम बना रखे उसमें धूप हो जाती है, धूप कौन सी चली जाती है बोलने तो उसे निकाल दो, मुझे बोलने के ऊपर क्या हो नहीं, सौ बार बक्का एक बार लिखा उनसे लिखवा दो ना, लिखवाने से पाप नहीं चलेगा तुम्हारे ऊपर, तुम तो खुद लिख कर दिया हमारा हमारी ऊपर पाप का आएगा, लिखने के बाद पाप नहीं चलेगा। मुँह बोला तो वैसे ही अच्छा, आपने नहीं बोला हमने कहते हमने नहीं लिखा आने के बाद फिर बता देते हैं वहाँ के नियम कायदे देखते हैं, फिर आके बता देते हैं भाई हमने तो बच्ची प्राप्ति क्या होगी, झूठ बोल के बच्ची की है तो झूठ बोल के झूठा कितने कितने दिन तक फाउंडेशन चलेगा, हाँ हो जाओ बाबा। कृष्ण भगवान जगन्नाथ के नाम से उड़ीसा में है, उड़ीसा में प्रसिद्ध है, और राजस्थान में राजस्थान के उदयपुर में भगवान विष्णु व जगदीश के नाम से प्रसिद्ध है, क्या कृष्ण विष्णु है क्या, विष्णु एक आत्मा होती है, विष्णु चार पांच आत्माओं का संगठन है, अरे विष्णु के रूप में भुजाएं दिखाई गई है, वो एक एक भुजा एक एक आत्मा की सूचक है या नहीं है, थोड़ा क्लियर करके समझा, वो रोज ही मुरली सुनोगे नहीं तो पूछते ही रहोगे, ये बात विष्णु के रूप को तो कितनी बार बता दिया है, चार भुजाएं चार आत्माओं की सूचक है, चार भुजाओं को चलाने वाला कोई और आत्मा भी होगी, वो चार भुजाओं को चलाने वाला मुखिया हो गया, पांच आत्माओं का संगठन जो है वो विष्णु का रूप है, राम कृष्ण सीता राधा जगदम्बा, चारों पांचों की स्वभाव संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक विष्णु का राज्य नहीं चलेगा, राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियों का कॉम्बिनेशन ही तो है, शंकर पार्वती ब्रह्मा सरस्वती और जगदम्बा, रोज की मुरलियां न सुनने से पॉइंट मिस होते रहते हैं, विष्णु के बारे में कितनी बार बताया जा चुका है, बच्ची करने के लिए मना कर दिया है, नहीं बच्ची नहीं,
चलो करते हो बाबा क्लास में गीता पाठ में क्लास में रहते हैं और वहाँ मतलब बंद है खाना है या लेट खोलिए तो वो जब हम कैसे 7 बजे खोले क्योंकि हम कौन 7 बजे खोलते गीता पाठ का और इसने लेट खोला तो फिर वो टाइम को क्या डालना चाहिए मैंने गीता पाठशाला भी है क्या है वो क्लास नहीं खोलती जैसे लेट हो जाता है लेट हो जाता है और जैसे हम कौन 7 बजे खोलते 15 मिनट लग गया पहले पहुंच जाते हाँ बाद में खुला 7 बजे आपका टाइम क्या है 7:30 7:30 तो 5 बजे चालू हो जाता है और हमारी नगर वाले 7:30 तो जैसे आगे कौन सा टाइम लगे जो सबको अनुकूल पड़े ना जी आपस में मिल करके तय कर लो प्रजातंत्र राज्य है राम राज्य तो नहीं है राम राजा भी पूछ लो और वो बता दे कि हाँ ऐसे करो तो सब ऐसे करें अभी राम राज्य है राम राज्य इलाज का टाइम 7:30 का है जो जो सबके मिलकर के राय हो वैसा टाइम लगे नहीं फिर भी अमृत वेला खत्म होता है 4:45 एक घंटा नहाने धोने का बीच में रख लो कौन है शुरू कर दो 6 बजे शुरू कर दो 6:15 शुरू कर दो 6:30 कर दो 7:15 कर दो 7 कर दो 7:15 कर दो 7:30 कर दो सबके सुविधा के अनुकूल कर बाबा जाला देवी में तो लगते है आपकी हाथों में निकलती रहती है इसका रहस्य क्या है जाला देवी में जो आपकी लगते है हाथों में निकलती रहती है इसका क्या है कहते नहीं ये तो आग उबलता है आग उबलने को क्या हुआ ऐसी बोली है कि चारों तरफ आग लगा के रख देना क्रांति भी फैला देना हड़कों को फैला देना इसी का नाम ज्वाला देवी रहती है लेकिन ये क्यों निकलती रहती है क्यों निकलती रहती है अंदर आग जलती है तो निकलती है अरे पृथ्वी है पृथ्वी के अंदर आग है कि नहीं है पृथ्वी के अंदर आग है या नहीं है वहीं क्यों निकलती है पृथ्वी पृथ्वी में ऊपर ऊपर की सतह में तो पानी है लेकिन एकदम अंदर की सतह में तो आग ही आग भरी हुई है जब वो आग फूटती है तो ज्वालामुखी बन के बाहर निकलती वो हुई स्थूल पृथ्वी की बात ये फिर है चैतन्य पृथ्वी की बात बाबा जो आज का रजिस्टर बन गया है दिल्ली में रखना पड़ेगा है आज का जो रजिस्टर बन गया रजिस्टर बढ़ गया हाँ तो फिर उसको भरने के बाद नहीं ये फिर गीता पाठ में रखा है राघू कारण में सेंटर बोलेंगे तो राघू के कारण में जो साल साल के सेंटर बैठने के रजिस्टर होंगे वो बाहर का किसी से अपने कार्ड अपने पास रखे नहीं टाइम करे कभी तो वेले हुआ कभी तो बाहर है गीता पाठ कर गीता पाठ कर भगवान की पढ़ाई होती है भगवान ने आके पढ़ाई पढ़ाई तो गीता मंदिर भक्ति मार्ग ले आने का बोले मंत्री राम वाली आत्मा है या विक्रमादित्य का बाप राम वाली आत्मा विक्रमादित्य का बाप ही मंत्री होता है त्रेता में बाप ही मंत्री होता है मंत्री और अलग नहीं होते हैं
राजा जिंदा मंदिर तो राजा है हाँ, लेकिन किसकी मत पर किया? अपनी मत पर किया कि किसी की मत पर किया? सारी राजाओं में अपनी अकल होती है, किससे अकल ली? तो गुरु था जिससे उसने अकल ली। बाप ही मंत्री होता है सचिव त्रिदल। बाबा आज तो देखी की मुरली पढ़ी जाती है, उसमें लिखा होता है पहले कृष्ण के ऊपर, फिर ये वरदान स्लोगन धारणा के पॉइंट इस तरह लिखा होता है। तो अगर ब्रह्मा बाबा मुरली के नाते थे तो क्या इस तरह मुरली चलती थी, धारणा के पॉइंट स्लोगन और वरदान? ये जो इस तरह लिखा हुआ है क्या कहते हैं बाबा ने कहा किसे बोले जो आप करते हो उसमें तो ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं तो क्या हम मौका कोई पहले नहीं है तो देहधारी गुरुओं की बातें पढ़ने की क्या जरूरत है जो देहधारी गुरुओं ने अपनी तरफ से डाला हुआ है? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात है वो ओरिजिनल है, या मनुष्यों ने जो हेरा फेरी की है वो ओरिजिनल है? हमें ओरिजिनल चीज को पकड़ना है या डुप्लीकेट चीज को पकड़ना है? क्या विजय माला के मन के बाप जो बाप के प्रत्यक्ष के बाहर ही नंबर वार बनेंगे? तो पहले बाप प्रत्यक्ष होंगे तब उसके बाद में विजय माला निकलेगी। विजय माला का जो मुख्य मानता है वो ही प्रत्यक्ष करेगा बाप को, कि कोई दूसरा पहले प्रत्यक्ष करेगा? नारायण की मुख्य सहयोगी कौन है? जो सबसे मुख्य प्रोमिनेंट सहयोगी होगा वो ही तो राजा के पास बैठेगा, वो निकलेगी तभी तो सहयोग पूरा होगा, संगठन कम्प्लीट होगा, विजयवाला की शुरुआत होगी। रुद्रमाला जो होने के विजयवाला कोने फिरोने की शुरुआत हुई ना, 2012 में बाबा ये शुरुआत हो जाएगी। ये तो कहीं नहीं कहा गया 2012 में माला बनना शुरू हो जाना। भाई जी क्या करते हैं? तो बिना की बात कर रहे हैं कि 2012 में तो बाबा पहले ये भी तो ऐसा नहीं कि वर्मा ने तो 14 साल वर्मा ने तपस्या वर्मा का तो पास 14 साल था बाबा का 16 साल 14 साल संकट से लेकर के 1951 तक ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले ब्रह्मा का नाम निशान भी नहीं था, यह भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम निशान था ही नहीं। पहला सेंटर खुला है कमला नगर दिल्ली में, तब लिखा गया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, तब साबित हुआ कि हाँ कोई ब्रह्मा भी है कोई ब्रह्मा कुमारी भी है। तो 15, 16, 14 से 16 साल तक लग गए ब्रह्मा से प्रत्यक्ष होने। ऐसे ही 1969 में ब्रह्मा बाबा ने जमीन छोड़ दिया और वहां से लेकर के 76 तक 8-9 साल लगे प्रत्यक्ष होने में दूसरी मूर्ति। ऐसे ही विष्णु की मूर्ति है उसको भी टाइम लगता है, वो कार्य शुरू हो चुका है
उधर वो भाई उनका अपने कुली में शुरू होगा या सूर्यवंशियों में शुरू होगा? राधा है वो कौन से बन चुकी है? चंद्रवंशियों पहले तक कैसे होगी या सूर्यवंशियों को पता चल जाएगा? कहाँ तक कैसे होगी? चंद्रवंशियों में 2008 के बाद निकलते हैं हीरे अफ्रीका में, दुनिया में सबसे ज्यादा हीरो की पैदाइश होती है अफ्रीका में। हाँ तुम देखते रहो। हम 77 था संपूर्णता वर्ष 1977 से लेकर के 5 साल प्लानिंग थी, 5-year plan। वो 5-year plan जब पूरा होता है तो शंकर की मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में क्लियर हो जाती है। ऐसे ही चंद्रवंश की मुख्य मूर्ति है राधा जी, विष्णु की तीसरी मूर्ति, वो भी 2000 से उसका फाउंडेशन लगना शुरू होता है, 2008, 9, 10, 11, 12, ये भी 5-year plan है। हाँ जी, बहुत सक्सेस हो जाएगी। अभी आधीन है, फिर क्या हो जाएगी? आधीन हो जाएगी। झारखंड झाड़ का खंड है, घेरता है छोटा सा झाड़ जरूर झाड़ का। उनको खुशी कैसे हो जाएगी? पैदा होंगे तभी मिलेंगे तब खुशी होगी या पैदा होने से पहले ही खुशी हो जाएगी? और कोई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं गर्भ में 7 महीने में जन्म ले लेते सौ तरीका है उसको अपनाना चाहिए ना, कोई ना कुछ नियमों का पालन करना चाहिए पूरा। में उनकी कभी ऐसी मतलब अभी हो गई तो आगे जाके सारे 6-7 महीने में जन्म लेंगे। दुनिया में होता है वो यहाँ सब होता है। जी के हाथ में पैरों में मेहंदी क्यों दिखाई गई है? दुर्गा माता के हाथ में और पैर में मेहंदी क्यों दिखाई गई है? दुर्गा दुर्गा जो है वो कौन सी आत्मा है? दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन सी दुर्गा है? आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा को शरीर थोड़े ही होता है, दुर्गा तो नाम शरीर का है या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। वो शरीरधारी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है वो महाकाली भी बनती है क्या? जो महाकाली बनती है वो सारी जगत की अम्बा है ना, जो सारी जगत की अम्बा है वो दिखावा करेगी कि नहीं करेगी? है मेहंदी ओरिजिनल चीज है या रचाई जाती है? रचाई जाती है।
कई आत्माएं प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, कई अच्छा काम करती है, जैसे किसी का दुख दूर करना, जाते हैं कि आत्मा शुरू करने के लिए, जैसे बताया जाता है कि तुम माता से जाते हैं तब वो प्रधान क्या है या कतु प्रधान क्या है कौन प्रधान किसी दुख दिया फिर यानी रहते रहते किसी को दुख नहीं दिया और अभी प्रवेश करके तो किसी को दुख तो मिले ऐसे ही सूक्ष्म शरीरधारी जो भी भूत प्रेत आत्मा होते हैं उसमें भी दो तरह के होते हैं एक अच्छी और एक बुरी ये छोटी ही बिल्कुल बाबा एक मंदिर में दुर्गा की फोटो है एक मंदिर में दुर्गा की फोटो है हाँ जी उसके तीनों आंखों में सफेद है उन्हें दबल दबल दिखा दबल 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 ये दिखा क्या आँखों में तीन आँखों में तीनों आँखों के अंदर डबल सफेद हीरा है डबल सफेद हीरा तीन आँख है ना तीनों में डबल डबल करके छह हीरे हैं सफेद मुख रूप के धर्म कितने धर्मियों में मुख्य धर्म कितने हैं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सब यहाँ की मुस्लिम और सिख छह हीरे हैं जो भगवान है जो दो साल के लिए यहाँ आता है धनियों का तो फिर इस सृष्टि को कैसे संभाल सकते सृष्टि को कैसे संभाल सकते हैं सृष्टि को तो संभालने में क्या हो गया जैसे वहाँ करता है तो वो यहाँ भी काम कर रही है भगवान यहाँ आ जाता है तो सृष्टि को कैसे समझता है भगवान जो है 5000 वर्ष में ऊपर ही बैठता है दो साल के ऊपर बैठ के सृष्टि समझता है संगम के ऊपर आकर के जैसे कहते हैं ऊपर बैठ के क्या वो सृष्टि समझता है मतलब उनका तो मानना ही है उनके मानने से क्या होता है उसका क्या जवाब दे हमने तो यही था कोई संगम उस पर आकर के अभी जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से कुमार चक्का चलाता है तो हर समय चलाता ही रहता है एक बार डंडा घुमाया और बैठ गया आराम से भाई नहीं भगवान भी एक बार ज्ञान का डंडा घुमाया चक्कर में और सभी चक्कर 5000 साल घूमता रहता है वो तो हर समय बैठ नहीं क्या करता है अंदर बैठी अपनी जो जितना भी रहती आत्मा रूपी उसको चार्ज करके और वापस चले जाते हैं आत्मान बना देते हैं बैठ नहीं बता दिया तो उनको उनके समझ में बैठे या नहीं समझ में बैठे बता दिया था ये ठीक है एक तरह से बैठे दूसरी तरह से बैठा नाम दो है या एक है ये नाम बिंदु का है बिंदु स्वरूप में जब टिक जाती है जो आत्मा शक्ति बन जाती है शक्ति स्वरूप नहीं हो जाती है ये भाग में है नहीं आप बड़े बेटे को रजाई देते हैं तो पहले असुर पैदा हुए वो बड़े थे देवताएं बाद में पैदा हुए छोटे थे फिर बाबा देवता यानी छोटों को क्यों सपोर्ट करते हैं बड़े बेटे को रजाई लेकिन ये आदमी
यदि के शुरुआत में राजा ही किसको मिले यदि की असुर बने ना किसके हाथ में यदि की सत्ता आ गई बाप तो शिवशंकर भोलेनाथ है वो सबको सपोर्ट करता है कि एक को करता है असुरों को भी वरदान देता है देवताओं को भी देता है जो पुरुषार्थ करे जो अपन को आत्मा समझे जो तपस्या करे अपन को आत्मा समझना यही तपस्या है वो असुर तपस्या करे तो असुर ले जाए देवता तपस्या करे तो देवता ले जाए भगवान को किसी के साथ पार्टी करता नहीं प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस करे तो ले जाए हाँ विष्णु सपोर्ट करते देवताओं को और ब्रह्मा जी ने हमेशा वरदान किसको दिए वो असुरों को वरदान दिए आजकल की माताएं क्या कर रही है गोष्ठी ज्यादा शैतान बच्चे छोटे बच्चे होते हैं छोटे से खोटे उन्हें ज्यादा सपोर्ट करती है क्या ये कोई बात नहीं होगी जब ये पता चल जाए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ तभी तो उसको परीक्षा आनी चाहिए तब परीक्षा आनी चाहिए कि हाँ तुम आओ कि नहीं आओ अपना रियलाइजेशन करो रियलाइज करो है या नहीं है रियलाइज करो जगदम्बा जगदम्बा बनने के लिए पुरुषार्थ करे वैष्णवी वैष्णवी बनने के लिए पुरुषार्थ करे शंकर शंकर करने के लिए पुरुषार्थ करे अष्टदेव में जो पहली मूर्ति है वो पहली मूर्ति बनने के लिए पुरुषार्थ करे दूसरी मूर्ति है वो दूसरी मूर्ति बनने का पुरुषार्थ करे नंबर जब डिक्लेयर हो तभी तो असली परीक्षा आती है सबने कन्या जब जन्म लेती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई और बाप भी कन्या माताओं को ही उम्र उठाने आते हैं लेकिन इस समय जब बाप ये काम कर रहे हैं उनको उम्र उठाने का लेकिन बाहरी दुनिया में देख रहे हैं कन्याओं की बड़ी दुर्गति है जब बाप आए तो कन्याओं को बढ़ता मिलना नहीं शुरू हुआ बाहर की और बच्चे जब बाप आए हैं जब से बाप ने ये नियम निकाला कि कन्याएं हो चाहे माताएं हो चाहे भाई हो सबको वर्षा मिलेगा ऐसे दुनिया गवर्नमेंट ने भी ये नियम बनाया है क्या पहले ये नियम नहीं था गवर्नमेंट का माताओं को भी वर्षा मिलना चाहिए कन्याओं को भी वर्षा मिलना चाहिए अब ये नियम बन गया तो यहाँ हिम्मत कर रही है क्या यहाँ भी तो हिम्मत नहीं कर रही है अगर वो वसीयत में हिस्सा मांग रही है तो रिश्तों में खटास आ जाती है वो कुछ भी आ जाए लड़ाई है तो लड़ाई है अपना अधिकार लेना चाहिए यहाँ के रिश्ते का ही है संबंध होते हैं सुख के लिए होते हैं लेकिन दुखदारी के लिए होते हैं सुख देते हैं तो संबंध है नाते रिश्ते हैं दुख देने वाले हैं तो नाते रिश्ते का ही बाबा जी मैं कभी क्या बात कर रही थी योगी ये नौ धर्म है
नहीं बैठे तभी भी तो ये स्थान कौन सा माउंट आबू होगा माउंट आबू भी खराब हो जाएगा माउंट आबू बना रहे पचास हजार तो आपको तो देखेंगे पचास हजार तो फीस देंगे देखेंगे देखेंगे तो नंबर वार देखेंगे कि एक जैसा देखेंगे उनमें भी एक होगा वो लाख तक देखेगा कि सारी देखेंगे साधनों की बात कहाँ कर रहे हैं आराम से बैठे काम करता जिंदा रहना माने देखना बर्फ में दब जाना माने नहीं देखना ऐसे वो बिना तो एक आत्मा है वो भी तो देख के बेहोश हो जाएगी थोड़ी देर के लिए वो आत्मा भी बेहोश हो जाएगी वो तो उसका तो एक चैलेंज का कोई खास बात ही जो पहले कब्र था क्या बर्फ में जलने वाली जो बर्फ में जलने वाली नंबर वार होगी वो स्थान विशेष माउंट आबू है जो जो कम पुरुषार्थी होंगी वो पहले बर्फ में दबेगी या जो ज्यादा पुरुषार्थी होंगी वो पहले दबेगी जो कम पुरुषार्थ वाली पहले तो ऊपर मिल जाएगी तो एक ही चलता है जो जानता है जितना ज्ञानी है उतना ज्यादा एक्यूरेट चलेगा जितना अज्ञानी है उतनी गलती करेगा कहीं भी हो लेकिन सेफ्टी रह सकता है कहीं भी हो अगर बिना वो बचा रहेगा कौन बचा बाबा का तो आत्मा है तो बचेगा कहीं भी जाके बच सकता है याद की प्रैक्टिस पक्की है तो बचेगा याद की प्रैक्टिस पक्की नहीं है माया आक्रमण करेगी दरअसल तो आठ बचेंगे कि नहीं बचेंगे जब विनाश होगा तो आठ बचेंगे या नहीं बचेंगे आठ बचेंगे तो वहाँ वहाँ का बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा उस बच्चे के द्वारा बाप भी प्रत्यक्ष होगा अरे जो सेफ्टी का फाउंडेशन पड़ेगा वो एक्यूरेट के द्वारा पड़ेगा 100% सजा खाने वालों के द्वारा पड़ेगा या सजा खाने वालों के द्वारा पड़ेगा भवन बताया हुआ बाबा ने भी ये बताया आगे चल के सारा माम आबू ही खरीद करना पड़ेगा तो जब खरीद करना पड़ेगा मालूम है तो जिसके पास फालतू पैसा है वो पहले से ही क्यों खरीद लें काय के लिए कंपनियों में और काय के लिए बैंकों आदमी लगा है हमें तो मालूम है कि कंपनियां और बैंक और ये बीमा कंपनियां ये सब फेल होने वाली अच्छा ये बहुत बड़ा है साढ़े चार लाख समझ आएंगे कहाँ साढ़े चार लाख कहाँ 25,000 ना माउंट आबू भी बड़ा दिखाई पड़ रहा है प्रभावित होने वाली आत्मा हो लगता है उससे प्रभावित हो रहे हैं बहुत बड़ा है इतना बड़ा कोई हो ही नहीं सकता जो कंपटीशन में जो उनके मेहमान जो है अरे दुबई में जो मेहमानियाँ बनाए हैं उनके मुकाबले की कुछ भी नहीं बोलो मुसलमानों ने बनाए ये भी मुसलमानों ने बनाए हॉल बनाया ना है अभी तो बनेगा
और बनाना पहले काम करता हूँ। चलो हो गया टाइम।